सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे दाशा कैरेक्टर के बारे में, न्यू रॉकी पेट के बारे में, साथ ही में गाइस न्यू फेडेड व्हील इवेंट आया उसको भी दिखाऊंगा। एंड गाइस, ये जो हमारा न्यू कैरेक्टर आया है दाशा कैरेक्टर, ये आप कैसे मिलेगा आपको, उसकी एबिलिटी क्या है, रॉकी पेट की एबिलिटी क्या है, और हमारे न्यू फेडेड व्हील इवेंट भी आया है, तो इन सब की डिटेल्स बताऊँगा। तो गाइस, यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, एंड आपको बेल आइकन दबा देना होगा जिससे नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, सबसे पहला इवेंट निकल कर आता है न्यू दाशा कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर कैसे मिलेगा और इसकी स्किल क्या है ये बताता हूँ सबसे पहले। तो देख सकते हो फ्री फायर के अंदर न्यू कैरेक्टर आ चुका है, कैरेक्टर दाशा। तो गाइस यार, ये कैरेक्टर ऐसा है जिसके अंदर ना, मान लो आप फैक्ट्री पे गए हो, गेम खेल रहे हो, फैक्ट्री पे कूदे हो और फिर फैक्ट्री से जंप मारते हो उसकी छत पे से, तो फिर आपका जो डैमेज है ना वो 30% रिड्यूस हो जाएगा। जितना डैमेज ज़्यादा था ना उससे 30% अब कम जाएगा, ठीक है। इस कैरेक्टर की तीन स्किल हैं जिसमें से ही पहली नंबर की स्किल मैंने आपको बताई है, और ये जो कैरेक्टर है पैसिव स्किल का है। मैं इसके अंदर कोई कार्ड वगैरह नहीं होगा, वो एक सीडी टाइप आती है वो नहीं होगी इसके अंदर, आलोक जैसे होता है। तो इस कैरेक्टर से मान लो आप फैक्ट्री पे कूदे हो तो आप एलिमिनेट नहीं होगे, या फिर फैक्ट्री से जंप मारते हैं तो हमारी जो लाइफ होती है वो 10 या 20 बचती है बस। तो इसमें इससे अगर आप खेलोगे तो आपकी 60 to 70 बचेगी, ठीक है। सेकंड स्किल ये है कि ये ना, जैसे आप फैक्ट्री से कूदोगे तो ना इसके अंदर आपको उठने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर गोली नहीं मार पाते और एनिमी मार देता है, जब तक टाइम लगता है रिकवरी रेट कम होता है उठने का, ठीक है। तो ये करेक्टर क्या करेगा, 60% रिकवरी रेट का टाइम कम कर देगा, तो जैसे ही कूदोगे वैसे ही उठ जाओगे, मतलब बहुत जल्दी उठ के सीधे गोली मारना स्टार्ट कर दोगे। तो ये इसकी एक और बढ़िया स्किल होने वाली है, जो 60% रिकवरी टाइम होता था हमें उठने में वो कम हो जाएगा। और थर्ड इसकी एबिलिटी है कि ये रिकॉइल कम कर देता है 6%। जो हमारी AK, स्कार, ये सारी गन स्किन होती है ना, उसमें जो एम होता है वो बड़ा होता जाता है, जैसे हम गोलियां चलाना लगातार हम जैसी फायरिंग करते हैं तो हमारा जो एम होता है ना वो बढ़ता जाता है उसका साइज़, फिर उसमें गोली पड़ना बंद हो जाती है और फिर रिकॉइल रेट तेज़ हो जाता है, तो वो ना 6% कम कर देगा और डैमेज ज़्यादा जाएगा फिर, ठीक है। रिकॉइल और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अपने आप। तो ये जो है दाशा कैरेक्टर की एबिलिटी है, इसके अंदर भी 8 लेवल हैं आलोक जैसे। और ये जो कैरेक्टर है फ्री मिलने की चांसेस है, यहाँ पर नेक्स्ट टॉप अप इवेंट पे आएगा दूसरे सर्वर में, ये रिडीम कोड के साथ मिला है, मतलब एक तो एक्सचेंज इवेंट में मिला है ब्राज़ील सर्वर में, और लाताम सर्वर में ये मिला है रिडीम कोड में, ठीक है। तो इंडिया सर्वर में या तो उसका रिडीम कोड आएगा, या फिर एक्सचेंज इवेंट, या फिर टॉप अप इवेंट पे, या फिर स्टोर में सीधा ये अवेलेबल करा देंगे, ठीक है गाइस। इसके अलावा नेक्स्ट इवेंट निकल कर आता है न्यू पेट का, न्यू रॉकी पेट। तो देख सकते हो न्यू पेट आ चुका है आज हमारे गेम के अंदर। इसकी स्किल क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी स्किल ये है कि मान लो आपकी एक्टिव स्किल है जैसे आलोक कैरेक्टर के, तो उसका जो काउंटडाउन टाइम होता है ना तो वो 6% रिड्यूस हो जाएगा, और फिर जैसे इसका लेवल बढ़ जाएगा तो 10% रिड्यूस हो जाएगा। मान लो आलोक जो है रिचार्ज होता है 1 मिनट में, तो वो 50 या 40 सेकंड में रिचार्ज हो जाएगा। तो ये इसकी स्किल है रॉकी पैट की, कुछ ऐसा दिखता है, इसको ऐसे दिखा देता हूँ। तो जो पेट है वो एकदम ही ओपी है, और पांडा जैसा लग रहा है कुछ कुछ, लेकिन बिल्कुल अलग है। तो इसके जो इसकी यही इसके लिए एक्टिव कैरेक्टर्स जो होंगे उसकी जो टाइम टाइम होगा काउंटडाउन टाइम वो कम हो जाएगा, रिचार्ज जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर है मतलब पेट है, ये हमें टॉप अप इवेंट पे आएगा, या फिर इसका भी रिडीम कोड आएगा। मेरे हिसाब से ये दाशा कैरेक्टर की इवेंट के साथ ही आने वाला है, तो ये पेट और दाशा कैरेक्टर एक साथ आने वाले हैं जल्द ही गेम के अंदर। ये मान के चलो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे दोनों चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट निकल कर आता है हमारा न्यू फेडेड व्हील इवेंट। देख सकते हो स्टोर में न्यू फेडेड व्हील इवेंट जो आया हुआ है, तो इसको ओपन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। तो गाइस यार, आप देख सकते हो मैंने जो है स्पिन कर लिया है, फर्स्ट स्पिन इसके अंदर फ्री था, और इसके अंदर दो प्राइज़ हटाने होते हैं। तो इसके अंदर लेजेंडरी प्राइज़ है आरटी वाला बंडल, ये वाला जो बंडल है ये फ्री में तो नहीं मिलेगा, लेकिन वन स्पिन जो है इसका फ्री है, अगर आपका वन स्पिन में निकल गया तो समझ लो आपके लिए फ्री में मिल जाएगा। वैसे तो इसमें बहुत डायमंड जाने वाले हैं, और देख सकते हो मेरा सेकंड स्पिन 19 डायमंड्स का है। तो इसके अंदर दो लेजेंडरी आइटम्स हैं, एक फार्मास की स्किन और एक ये वाला बंडल, और ये वाला बंडल बहुत रेयर बंडल है। इसके अलावा डायमंड रॉयल वाउचर है, मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स हैं, और हेलोइन के पोस्टर्स हैं और बैनर्स हैं। इसके अंदर मैंने दो प्राइज़ ऑलरेडी हटा दिए हैं, और ये जो इवेंट है वो 1 हफ्ते तक चलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और न्यू इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे फ्री फायर के अंदर जो आए हुए हैं।
तो फ्री फायर के अंदर ना गाइस जल्दी ही आपको मैजिक क्यूब मिलने वाला है। तो मैजिक क्यूब का मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ कि कितना रह गया मैजिक क्यूब कंप्लीट होने में, ठीक है? फिर जो आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ से, तो देख सकते हो जल्दी आपको ना 14 नवंबर को लॉगिन करना है और मैजिक क्यूब गन स्किन और रिमोट ले सकते हो फ्री में। तो देख सकते हो 91% हो चुका है, अब सिर्फ 9% और रह गया, फिर मैजिक क्यूब ले सकते हो। और नाइट क्लाउन बंडल, बंडित बंडल, टॉप गेमर बंडल, वो सारे जो बंडल थे वो एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर कुछ और इवेंट चल रहे हैं। दिवाली लूडो का फियरलेस वॉरियर बंडल फ्री में मिल रहा है, इसको ले लो जल्दी से। और साथ ही में यहाँ पर मिल रहा है आपको ये कार्ड वगैरह मिल रहे हैं लेवल अप के, तो ये मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो जल्दी ले लो। और रिडीम कोड जल्दी आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी मत देखना भूलना, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ओपी होने वाली है, क्योंकि उसमें रिडीम कोड की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और रिडीम करना बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।